मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर जेना को देखते हैं जो कि पाए बना रही होती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती हैं जो उसे कहती है कि उसे अब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। जेना को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो डर की वजह से इसे चेक नहीं कर रही थी। जब वो इसे चेक करती है तब वो प्रेग्नेंट होती है और उसे अब ये बेबी नहीं चाहिए होता। तो उसकी दोस्त उसे पूछती हैं कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो जेना उन्हें बताती है कि एक रात उसने उसे ड्रंक कर दिया था जिसकी वजह से ये हो गया। अभी वो अपनी प्रेगनेंसी की बात अर्ल को नहीं बताएगी और पाइस के कंपटीशन में हिस्सा लेकर पैसे जमा करेगी और वहाँ से भागकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिएगी। तभी अर्ल उसे लेने के लिए आ जाता है और वो जो भी पैसे कमाती है अर्ल उसे ले लेता है, लेकिन जेना अब कुछ पैसे अपने लिए बचाने लगी थी। अर्ल उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि वो बहुत कम कमाने लगी है, इससे अच्छा वो घर पर ही रहे। तो वो अपने मन में फिर से पाई बनाने का सोचने लगती है। तो जिस बात से अर्ल उसे बोलता है कि तुम्हें घर पर रहकर ही कुक करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा सा मील अर्ल के लिए बनाती है। तो अर्ल उससे बात पूछता है तो वो कहती है कि पाइस का कंपटीशन हो रहा है जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। तो अर्ल उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जो चीज़ उसे चाहिए वो उसे लाकर दे रहा है, जिस बात से जेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेना अपने डॉक्टर को विजिट करने के लिए जाती है। उसके लिए पाए लेकर जाती है लेकिन जेना का डॉक्टर चेंज हो चुका होता है और उसका नाम जिम होता है। तो वो उसे बताता है कि उसने सारा कुछ उसके बारे में पता कर लिया है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन जेना उसे बोलती है कि वो ये बेबी नहीं चाहती थी लेकिन ये हो रहा है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जेना का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे हर महीने चेकअप के लिए आना होगा। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में वापस जाती है तो उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है जो कि लेट आने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद वहाँ का ऑनर जो वहाँ पर आ रखा होता है जो कि अपने ऑर्डर को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, तभी जेना को वहाँ पर वॉमिट आने लगती है और वो वहाँ से चले जाती है। उसकी फ्रेंड बेका उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो उसे आज डेट के लिए तैयार करने वाली है, जिस बात से वो उसे कहती है कि अगर वो डेट पर बोर हुई तो वो 5 मिनट में वापस आ जाएगी। इसके बाद जो उसे कहता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती और जो कहता है कि उसने भी एक बार ऐसी ही किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था लेकिन वो बेबी की डेथ हो गई थी, जिस बात के लिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तब जेना बेका को रेडी कर देती है और वो एक सीक्रेट मीटिंग के लिए जाती है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती। दोनों फ्रेंड्स आपस में अकेली रह जाती हैं क्योंकि अर्ल भी आज उसे लेने के लिए नहीं आता। तो वो बस स्टैंड पर बैठकर बस का वेट कर रही होती है तो वहाँ पर जिम आ जाता है। तो जेना उसे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो वो उसे बताता है कि हमारे डिनर में भी ऐसी ही एक वेट्रेस होती थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसकी ड्रेस देखकर उसे आज उसकी याद आ गई। तो जेना उसे कहती है कि उसके उनके डिनर में आना चाहिए, वहाँ पर वो बहुत सारे प्याइस कुक करती है और वो उन्हें खिला सकती है क्योंकि जिम को उसका दिया हुआ पाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जिम उसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये बात उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस बात से शर्मा जाती है। घर पर आकर अर्ल उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन जेना का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो अर्ल उसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही है, जिस बात से जेना उसके साथ इंटीमेट हो जाती है ताकि अर्ल को किसी भी बात पर कोई भी शक ना हो। लोगों के डाइनर में एक लड़का आता है जिसका नाम ओगी होता है। जेना उसका ऑर्डर लेने आती है पर वो कहता है कि वो डॉन को ही ऑर्डर देना चाहता है। उसे कन्विंस करती है लेकिन वो नहीं मानता और वो कहता है कि वो डॉन को ही ऑर्डर देगा। जेना डॉन को सारी बात पूछती है तो वो कहती है कि वो कल रात उसी के साथ डेट पर थी लेकिन उसने 5 मिनट में अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री मुझे बता दी थी, वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जेना उसे कहती है कि उसे उसके साथ बात करके इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। ओगी डॉन को बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। तो डॉन उस बात के लिए उसे बोलती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिस बात से ओगी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। जेना को अपने शरीर पर रैचेस दिखने लगते हैं जिसके बाद से वो जिम को कॉल करती है और वो बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। तो जिम उसे सुबह 7 बजे क्लिनिक पर बुलाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेना को बहुत अजीब लगता है। जिम उसका सारा चेकअप करता है तो कहता है कि कुछ खास ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जेना उसके लिए जो डेजर्ट लाई होती है जिम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाता है। जेना उससे पूछती है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये इस बात के लिए उसने उसे इतनी दूर तक बुलाया और सुबह 7 बजे इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं खुलता लेकिन फिर भी वो उसके लिए आया। इस बात से जिम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है
तो जैना उसे बोलती है कि वो अब उसका डॉक्टर नहीं रह सकता, उसे उसके साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो वहाँ से बाहर आ जाती है गुस्से में, लेकिन उसका पर्स अंदर रह जाता है। जो वो लेने वापस जाती है तो वो जिम को किस कर लेती है। तो जिम उसे बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डेट कर सकते हैं और फिर से मिल सकते हैं। तो जैना फिर उसे एक बार किस कर लेती है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसका डॉक्टर है, ये सब सही नहीं है। जिम को भी ये बात सही लगती है और फिर भी जैना फिर से जिम को किस कर लेती है। जिम फिर से जैना को उसके काम पर छोड़ देता है। तो वहाँ पर जो आ जाता है और वो जो देख लेता है कि जैना ने किसी के साथ मेकआउट किया है, लेकिन वो अपना ऑर्डर दे देता है और जैना को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे किसी के साथ अफेयर करना सही नहीं है, उसकी वाइफ को बुरा लग सकता है। तो जैना उसे बोलती है कि हम जो प्रटेंड करते हैं ज़रूरी नहीं कि हम लोग बुरे ही हों। तो जैना डाइनर में एक माँ और बेटे को देखती है जो कि अपनी माँ को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है। अपनी दोस्त को एक बुक गिफ्ट करती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैना को बिल्कुल भी मदरहुड के बारे में कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो जैना उन्हें बताती है कि वो इस बेबी को अडॉप्शन के लिए दे देगी क्योंकि वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है। तो उसकी दोस्त उसे बोलती हैं कि यहाँ पर कुछ खाली पेजेज हैं, वो अपने बेबी के लिए कुछ भी लिख सकती है। तो जैना बिल्कुल ही ऐसा करती है और बस स्टैंड पर बैठकर अपने बेबी के लिए बहुत सारी बातें लिखने लगती है। तो अल उसे वहाँ पर देख लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो बोलती है कि वो पाई कंपटीशन के लिए जा रही है। तो इस बात को अल कहता है कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे मारने लगता है। तभी जैना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अल उसे कहता है कि बेबी आने के बाद वो उसे प्यार नहीं करेगी। अगर वो इस बात से प्रॉमिस करती है कि वो पहले नंबर पर उसे ही रखेगी तो हम इस बेबी को आने देंगे। जैना को पता था कि अल इस बात के लिए नहीं मानेगा, इसलिए वो प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद जैना फिर से चेकअप के लिए जिम के पास जाती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम हमारे बीच जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत था। जिम भी इस बात को एग्री करता है, लेकिन जैना फिर से डायरेक्ट उसे किस कर लेती है। तो जिम उसे बोलता है कि पिछली बार की तरह गायब मत हो जाना, उसने उसे बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं किया था। जिम उसे कहता है कि वो उसे भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके पास ही वापस आ जाती है। वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता था, जिस बात से जैना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अब खुश रहने लगती है। एक दिन जैना जिम के पास आती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ही बार बार मिलने पर जब वो दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। एक दिन जब जैना क्लिनिक में आती है तो उसे वही अपनी पुरानी डॉक्टर मिलती है। जब वो जिम के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो अपनी वाइफ के साथ वैकेशन पर गया हुआ है, जिस बात से जैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। डाइनर में तीनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही होती है और डोनर ने बोलती है कि उसका भी अब एक बॉयफ्रेंड है। तो उसकी फ्रेंड्स उसे पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो डॉन उसे बताती है कि पहले वो उसे बहुत ज़्यादा चिपकू लगता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैना ने अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने बॉस से छुपाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि वो पहले से जानता था और वो जब तक काम करना चाहे कर सकती है। एक दिन जैना अपने बॉस को बेका के साथ इंटीमेट होते देख लेती है और वो बेका को बहुत सी बातें समझाती है कि अफेयर की वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो बेका कहती है कि उसका हस्बैंड ओल्ड हो चुका है और वो ज़्यादातर बेड पर ही रहता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को हर्ट नहीं करना चाहती, वो कुछ टाइम के लिए अच्छा फील करना चाहती है। जिस बात से जैना गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। वापस आकर वो देखती है कि डाइनर में जिम बैठा होता है, तो वो उसे मिलना चाहता होता है। तो जैना बोलती है कि उसे अब यहीं पर बंद कर देना चाहिए, वो अब उससे नहीं मिलेगी, और वहाँ से चले जाती है। तो बाद में वो अपने बॉस से ये सारी बात डिस्कस करती है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। वो कहता है कि ज़िंदगी उसे जो भी देती है वो उसको अच्छे में लेता है और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने की कोशिश करता है। बाद में जैना बेका को माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे बहुत जल्दी जज कर दिया था। तो बेका उसे माफ़ कर देती है और इस बात के लिए उसे कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद एक दिन अल काम के लिए बाहर चला जाता है तो जिम उससे मिलने आता है। जैना बोलती है कि वो आज बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उलझनों में फंसी हुई है, उसे उसके बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहता है कि वो उसे चेंज करना भी नहीं चाहता, वो जैसी है उसे परफेक्ट लगती है। इस बात से जैना बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको हक करके रोने लग जाती है। जिम उसे कहता है कि क्या वो उसे पाई बनाना सिखा सकती है। तो वो उसे पाई बनाना सिखाती है और बताती है कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे पाई बनाया करती थी। दोनों को साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं और वो कहता है कि उसे ये समय बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो उसके साथ बिता रहा है। तो जैना उसे पूछती है कि क्या वो इस लाइफ से खुश है, तो वो कहता है कि वो इस मोमेंट में खुश है क्योंकि वो उसके साथ है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिम जैना को एक प्लेट गिफ्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन जैना उसे बोलती है कि वो उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकती। तो वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से जैना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फिर से उसे किस कर लेती है। और इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ऑगी और डॉन की शादी के दिन आ जाता है। दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उस पार्टी में
जैना और जो अकेले होते हैं और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। जो उसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लड़की है, उसे जो करना चाहिए कर लेना चाहिए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहिए, ऐसी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहिए। तो वो कहता है कि उसे इस ड्रीम्स को पूरा करने में बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जैना कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि अगर उसे यंग एज में कोई तुम्हारे जैसी लड़की मिलती तो वो उसको बिल्कुल ड्रीम फुलफ़िल करने में मदद करता था। पर आल आ जाता है जो कि जैना से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वहाँ की एक चेयर तोड़ देता है और गुस्से में जैना को वापस घर ले जाता है। फिर से ट्रीटमेंट के लिए आती है और जिम को बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिम इस बात के लिए एग्री करता है और जैना को 10 मिनट रुकने के लिए कहता है, तो उसका वाटर ब्रोक हो जाता है। आल को इस बात का पता लगता है, वो हॉस्पिटल पहुँचता है और इंटर्नशिप के सभी स्टूडेंट उसे देखने आते हैं, जिसे देख कर जैना काफ़ी नर्वस हो जाती है। जो भी अपनी किडनियों के इलाज के लिए वहाँ पर होता है और वो भी उसे मिलने आता है और उसे एक कार्ड देता है जो उसे बाद में खोलने को कहता है। उसके बाद उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होती है, लेकिन आल को बेटा चाहिए था। वो उसे कहता है कि उसे ज़्यादा प्यार मत करने लगना। तो जैना कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उसे डिवोर्स चाहिए, अगर वो उसके पास भी आया तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगी, उसने अपनी बेटी पर ही सारा प्यार लुटा दिया था। उसके बाद उसे पता लगता है कि जो अब कोमा में जा चुका है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और आल बिल देने से मना कर देता है। रात को सारे बिल उसकी फ्रेंड जाकर पे करती हैं और जब वो कार्ड खोलकर देखती है तो उसमें उसकी एक खूबसूरत सी पिक्चर होती है और जो ने उसे बहुत सी अमाउंट का चेक भी दिया होता है और यह भी बताता है कि सिर्फ वही उसकी एक फ्रेंड थी। उसके बाद उससे मिलने के लिए जिम आता है और जैना उसे बोलती है कि उन्हें इस अफेयर को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हम इसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। जो कि डेथ के बाद वो अपना रेस्टोरेंट जैना के नाम कर देता है और उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, वो बहुत से खूबसूरत पाई बनाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चलाती है और अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुश रहती है। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।